वालेकुम व्यूवर्स कैसे हैं आप उम्मीद खैरियत से होंगे खुशबाइश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक और नए व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था शब मराज वाली सहरी से क्योंकि मुझे रोज़ा रखना था ना तो मैंने सोचा कि चलो निहारी मंगवाती हूँ आज की सहरी जो है ना रेडीमेड हो जाएगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना शहरी में क्योंकि ये नफली रोज़े होते हैं और फिर जो शहरी रमज़ान की होती है उसकी तो बात ही अलग होती है उसमें तो हम लोग बड़ी तैयारियाँ करते हैं बड़े जो है ना हमारे शहरीों की तैयारियाँ हो रही होती हैं इफतारीयों की तैयारियाँ हो रही होती हैं तो बस मैंने ये तंदूर की रोटी रात को मंगवा ली थी निहारी अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी तो बस मैं ये अभी फ़्राई करूँगी फ़्राई करते हुए दिखा रही थी लेकिन फिर इतनी मैंने ज़्यादा काली कर दी मैंने सोचा कि चलो छोड़ो अब ज़्यादा दिखाते नहीं है वरना ये थोड़ा ज़रा ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पर गैस होता नहीं है ना लेकिन शहरी के टाइम पर इतना अच्छा गैस आ रहा था तो मैं भूल ही गई कि भाई यहाँ पर तेज़ आँच भी होती है और तेज़ आँच पर हमें स्लो आँच मिल रही होती है तो हमें भूल जाता है कि हमें थोड़ा सा जो है ना ध्यान से काम करना है तो बस मेरे साथ ये वाले सीन्स हो रहे थे अगर ये रमज़ान की शहरी होती ना तो गैस होनी ही नहीं थी खैर ये तो एक खूबसूरती है हमारे मुल्क की खूबसूरती कह लें बदसूरती कह लें यही हमारा नसीब है खैर चाय बन गई थी मेरे तो चाय भी मैंने भर ली है क्योंकि चाय के बगैर मुझे नहीं मज़ा आता है रोज़ा रखने में थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो जाता है शाम के टाइम और शाम को मैं चाय पीती नहीं हूँ तो बस अभी मैंने चाय भी बना ली थी थोड़ा सा मैंने अपना अहतमाम कर लिया सहरी का सहरी करूँगी बस इसके बाद जो है ना मैं ऐसे घोड़े बेच कर सोई थी कि जहर से थोड़ी देर पहले ही उठी थी यानी जहर की अज़ान होती है यहाँ पर पौने एक बजे मैं साढ़े बारह बजे उठ गई थी फिर हस्बैंड बच्चे ये सब काम शाम ये सब छोड़कर मैंने जो है ना आज स्टार्ट किया था व्लॉग अपने इफ्तारी की तैयारी से यानी इफ्तारी की जो मैं तैयारी कर रही थी ना वो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने कुछ भी नहीं बनाया था सिर्फ मैंने थोड़े से दही बड़े बना लिए थे जिसके लिए मैंने जो है ना तीन टेबल स्पून के करीब ले लिया था गेहूं का आटा तीन टेबल स्पून ही मैंने ले लिया था यहाँ पर मैदा सॉरी बेसन चने का आटा और इसमें मैंने डाल दिया नमक हसबाई का हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा डाल दिया है और पानी से इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है कंसिस्टेंसी चेक कर लें और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी इनो में कोई सोडा इस्तेमाल नहीं करूँगी इनो से ये बहुत अच्छे ये फूल जाते हैं और इसका टेक्सचर जो है ना पकने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है बहुत अंदर से सॉफ्ट होते हैं कोई गुठली नहीं बनती है और एक और टिप आगे आपको देती हूँ कि गुठली जो है ना क्यों नहीं बनती है मेरे जो ये दही बड़े बनते हैं ना मेरी सास को बहुत पसंद होते थे और वो फरमाइश करती थी इसको बनाने के लिए तो मैं अक्सर उनको बना के देती थी तो खैर अभी जो है ना आप लोगों के साथ इसकी जो टिप है ना वो शेयर कर देती हूँ मैं कढ़ाई में इसको फ्राई नहीं करूँगी मैं फ्राइंग पैन लूँगी उसको मैंने ठीक ठाक ऑयल से भर लिया है बहुत ज़्यादा एकदम ऊपर तक नहीं भरा है कि मेरा जब मैं फ्राई करूँ ऑयल बाहर आ जाए इतना भर लिया है कि आराम से फ्राई हो जाएंगे अभी आप देखिएगा ये मैं इस तरह से इसको स्पून की मदद मतलब से कोई भी बड़ा सा स्पेक्चूला ले लें स्टील का मेरे पास ये चमचा होता है तो मैंने ये ले लिया आप चम्मच से भी डाल सकते हैं तो बस इससे मैं जो है ना इतना इतना डालूंगी कि मेरे नॉर्मल साइज के दही बड़े तैयार हो जाए डाल दूंगी फिर इसके बाद जो है ना जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे ना तब मैं इनको पलट दूंगी इतनी देर में मैं इंस्टेंट चटनी बनाती हूँ इमली की क्योंकि बग़ैर चटनी के मुझे दही बड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं आई एम श्योर आपको भी नहीं पसंद होंगे तो उसके लिए इंस्टेंट चटनी इंस्टेंट दही बड़ों के लिए इंस्टेंट चटनी बनाएंगे तीन से चार टेबल स्पून के करीब इमली लिए है उसमें मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब पानी डाल दिया छोटा सा बाउल ले लिया है मैंने क्योंकि ये छोटे बर्तन में ही बनाना सही रहता है वरना सारी जो है बर्तन पर ही चिपक जाएगी थोड़ी देर के लिए इमली को पकने के लिए छोड़ दूंगी स्लो फ्लेम पर और उतनी देर में मैं थोड़े से अपने दही बड़े फ्राई कर लेती हूँ जिस जब दही बड़े मेरे एक साइड से फ्राई हो गए ना तो मैंने उनको पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया था अच्छा इनको बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना होता है बस आपने देखा कि इसका गोल्डन कलर आ, आ गया है तो आप इसको उतार लें और फिर पानी में डिप कर दें आपने अभी देखा मैंने आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाई है कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं अभी ये दोबारा से मैं आपको जब मैं पानी में से निकाल रही हूँगी ना तब भी मैं आपको इसकी जो है ना सॉफ्टनेस है वो दिखाऊंगी कि किस तरह से इसने अपने अंदर पानी ऑब्जॉर्ब कर लिया और कितना ये सॉफ्ट है इसका टेक्सचर। बस ये सारे निकाल लिए आ जाते हैं इमली की तरफ तो इमली जो है ना थोड़ी सी पक गई थी उसमें मैंने तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब शक्कर डाली है जो ब्राउन शुगर होती है ब्राउन शुगर ले लें ले ले या गुड़ ले लें ले, पिसा हुआ जो भी आपके पास है वो ले लें ले। फिर नमक डाल दिया हसबका फिर मैंने इसमें एक टी स्पून के करीब डाल दी है लाल मिर्च कूटी हुई बस ये मेरी इमली डन थोड़ा सा ये जब पक जाएगी गाढ़ी हो जाएगी तो चूल्हा बंद कर दूंगी अब यहाँ पर देखें मैंने दही ले लिया था तकरीबन एक पाव के करीब और उसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन हाफ कप के करीब पानी और उसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया था नमक डाल के तो ये बस ये हो गया दही का मेरा काम और इमली भी मेरी तैयार हो गई थी दही उंडेल दी सारी फिर इसके ऊपर से मैंने इमली डाल दी है तकरीबन आप समझ लें ये दस मिनट में मेरे दही बड़े तैयार हो गए थे ना मुझे कोई आटे को रखना पड़ा है ना मुझे कोई दाल पीसनी पड़ी है ना मुझे कोई ताम झाम करना पड़ा है बहुत ईजी और बहुत इंस्टेंट रेसिपी है रमज़ान के हवाले से अगर आपके पास जैसे टाइम नहीं है कुछ भी बनाने का और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा आपका इफतार तैयार हो जाए ये वाली रेसिपी बेस्ट है मेरे हिसाब से तो बस मैंने जो है ना फिर रात में भी डिनर बनाना था तो मैंने इफ्तारी में बहुत ज़्यादा कोई नहीं बनाई थी रेसिप्स क्योंकि मैं अकेली थी और बच्चे भी नहीं थे मैं और शायन थे बाकी जो है ना हारिस खेलने गया था जैनब नानी के घर हस्बैंड दुकान पर तो मैं अकेली जो है ना इतना ही अफोर्ड कर सकती थी <laughs> तो कोई होता है ना घर पर तो ये होता है कि चलो ठीक है हम ज़्यादा चीज़ें भी बना लेते हैं मज़ा आता है खाने पीने में तो मैंने नहीं बनाया मैंने सोचा कि डिनर बहुत अच्छा सा बनाऊँगी मैं बना रही हूँ जलफ्रेजी शाशलिक टाइप का है तो उसके लिए मैंने ले लिया था तकरीबन तीन सौ ग्राम के करीब चिकन चिकन के क्यूब्स कर लिए हैं और उसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट पाउडर फॉर्म में है आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है एक टी स्पून धनिया पाउडर डाल दिया और एक टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर डाल दिया एक टी स्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर एक टी स्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च कुटी हुई एक टेबल स्पून जाएगा चिली सॉस सोया सॉस दोनों एक एक टेबल स्पून एक टेबल स्पून वाचेस्टर शाया सॉस जाएगा अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो स्किप कर दें कोई मसले वाली बात नहीं है और अगर आपके पास कोई भी सॉस नहीं है ना और ये रेसिपी आप ट्राई करना चाहते हैं तो दफ़ा करें सॉसेस को थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची की तादाद बढ़ा दें मतलब मैंने एक एक टेबल स्पून टी स्पून यूज़ की है आप डेढ़ डेढ़ टी स्पून इस्तेमाल कर लें और उसमें आप थोड़ा सा सिरका इस्तेमाल कर लें हाफ टी स्पून के करीब सिरका भी नहीं है लेमन स्क्वीज़ कर दें तो अब मैंने आपको सारे जो जितने भी चोर रास्ते थे ना वो सब बता दिए हैं अब ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है ख़ास तौर से मेरी एक सब्सक्राइबर है ना जिनको सॉसेज़ के साथ प्रॉब्लम होता है मैं आपको सॉसेस की रेसिपी दे दूँगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको घर में सॉसेस बनाना सिखा दूँ बहुत इजी वाले तरीके से इन तो बस मैंने यहाँ पे सब्ज़ियाँ निकाली हैं और टमाटर मुझे चाहिए थे पेस्ट बनाने के लिए तो तकरीबन पाँच टमाटर मैंने ले लिए हैं और उसको मैंने हरी मिर्चें ली हैं दो से तीन उसके साथ पानी डाल के नमक डाल के और बॉईल करने के लिए लग दिया है पानी मैंने तकरीबन लिया था दो गिलास के करीब और ये जब डेढ़ गिलास रह जाएगा ना तब तक टमाटर को बॉयल करना है अच्छा मैं यहाँ पर जो है ना चिकन में नमक डालना भूल गई थी नमक डाला और फिर दोबारा से मिक्स करके इसको मेरीनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया साइड पे इतनी देर में मैं अपनी सब्जियां काट लेती हूँ बस ज़्यादा देर मेरीनेशन नहीं चाहिए मुझे तकरीबन दस मिनट मेरीनेट हो जाएगा तो भी काफ़ी है अगर वो भी आपके पास टाइम नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है टमाटर काट लूँगी और टमाटर और जितनी भी सारी सब्ज़ियाँ हैं ना ये सब चकोर पीसीज में कटेंगी और टमाटर का जो बीज वाला पार्ट होता है ना ये मैं ज़ाया नहीं करूँगी ये भी अभी मैं अपने उसी पैन में डाल दूँगी जो मैंने बॉयल करने के लिए टमाटर रखे हैं ना इसमें क्योंकि प्यूरी के अंदर ना टमाटर का पेस्ट अच्छा खासा चाहिए होता है सारा जो काम होता है ना इन टमाटरों का ही होता है इस रेसिपी में तो टमाटर जो है ना ठीक ठाक चाहिए होते हैं तो ये रेसिपी के अंदर जो ये मैंने कट किए हैं ना टमाटर अगर मैं टमाटर ज़ाया कर दूँगी तो ज़ाहिर है नुकसान वाली बात है तो मैंने ये टमाटर अपने बॉयल टमाटर के साथ डाल दिए तो ये भी इस्तेमाल हो जाएंगे अब यहाँ पर देखें मैंने तीनों सब्ज़ियाँ काट ली हैं शिमला मिर्च और ये प्याज़ और टमाटर दो दो लिए थे तीनों चीज़ें दो दो की क्वांटिटी में थी और तीनों को काट कर मैंने साइड पे रख दिया चक्ो पीसेस में इतनी देर में मेरे टमाटर बॉईल हो गए इसके अंदर से छिलका निकालूंगी जितना भी सारा छिलका है ना अब आराम से आ जाएगा बाहर और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे छिलका रहने नहीं देना है छिलके से जो है ना टेस्ट मज़ेदार नहीं आता बस फिर क्या है इसके बाद मैंने ले लिया है पैन पैन के अंदर जो है ना ऑयल डाल देना है तकरीबन आप समझ लें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल लिया था क्योंकि इसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल होने वाला है तो ऑयल थोड़ा सा डिसअपेयर हो जाता है लेकिन मुझे ऑयल की शाइनिंग चाहिए इसमें ऑयल तरी के लिए या रोगन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसमें शाइनिंग के लिए ऑयल इस्तेमाल किया जाता है रेसिपी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है ऑयल इस्तेमाल करने से और ये मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ लेकिन आप ये याद रखिएगा मैं जब भी चाइनीज़ वग़ैरह बना रही होती हूँ तो मैं उसमें सिर्फ वाइट कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हूँ जो पकवान तेल होता है मैंने चिकन डाला ऑयल के अंदर उसको अच्छी तरह से सोते किया कलर चेंज होने लगा तो मैंने अपना जो प्यूरी रखा हुआ था टमाटर का वो डाल दिया और फिर इसके बाद अब इसमें जाएंगे कैचअप और थोड़ा सा पानी पानी मैंने तकरीबन डाल दिया है एक ग्लास के करीब क्योंकि मुझे अच्छी खासी इसके अंदर ग्रेवी चाहिए होती है मेरे बच्चों को चावलों के साथ इसको सर्व करना होता है ना मुझे तो मैं इसमें ग्रेवी रखती हूँ फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक और अब इसको जो है ना कॉर्नफ्लोर का गाढ़ापन देंगे क्योंकि इसका जो स्लरी है ना थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए तो उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया तकरीबन तीन टेबल स्पून के करीब और उसमें मैं पानी डाल दूँगी तकरीबन हाफ कप के या एक कप के करीब यह आपकी मर्ज़ी है आप स्लरी कितना चाहते हैं अगर कम स्लरी चाहिए तो आप कम पानी इस्तेमाल करें ज़्यादा स्लरी चाहिए तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें आपकी रेसिपी ठीक बन जाती है बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी एकदम से नहीं उंडेल देना है अगर एकदम से उंडेल देंगे तो हलवा बन जाएगा जाके नीचे सारा कॉर्नफ्लोर बैठ जाएगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर की ये आदत है कि वो नीचे जाके बैठ जाता है अब जब मैं अभी इसको घोल भी रही हूँ ना तो भी ये नीचे जाके बैठ गया है तो फिर जब हम पके हुए खाने के अंदर इसको डालेंगे ना तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी तो इसको थोड़ा थोड़ा तादाद में करके डालना है और फिर देखते जाना है कि स्लरी कितना मोटा हुआ है या कितना गाढ़ा हुआ है मोटा कह रही हूँ कितना गाढ़ा हुआ है तो खैर मैंने जब टेस्ट किया था इसका थोड़ा सा नमक भी कम था मैंने बाद में नमक भी शामिल किया अभी फ़िलहाल मैं चावलों के पानी के अंदर नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चावल बॉयल करने थे तो अभी देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह से जब उबलने लग जाएगा ना तो मैं इसमें डाल दूँगी सारी सब्ज़ियाँ अच्छा अब सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है कि पता चला कि आपने सब्जियों को इतना कुक कर दिया कि चिकन और सब्ज़ियों का हलवा बन गया सारी स्लरी जो है बहुत गाढ़ी हो गई और सब्जियाँ नज़र ही नहीं आ रही सब्ज़ियाँ प्रॉपर नज़र आनी चाहिए ये है जल फरीजी की खूबसूरती अगर सब्जियाँ नज़र नहीं आएंगी ना तो फिर रेसिपी का कोई फ़ायदा नहीं है बस इसको तकरीबन मैं पाँच मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी इतनी देर में मैं चावल डाल देती हूँ पतीले में और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था जल फ्रेजी का भी अच्छा चावल जो है ना मेरे मैंने इस्तेमाल किए थे स्टीम राइस और मैंने इनको हंड्रेड परसेंट कुक कर लिया था अब मुझे कोई दम नहीं देना है चावलों को क्योंकि ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंट बॉइल्ड चावल हैं और इसी से मैं सर्व करूंगी अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा तड़का चाहिए तो आप ज़ीरे का तड़का लगा सकते हैं आ, नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं वैसे ये जो रेसिपी है ना इसमें बॉयल्ड चावल ही यूज़ होते हैं ये बॉइल्ड चावल के साथ ही सर्व की जाती है तो मैंने चावलों को बॉयल कर लिया था हंड्रेड और फिर इसको मैं जो है ना थोड़ा सा ढक के रख दूँगी ताकि जब हमारा खाना लगे तो ये ठंडे ना हो अगर आपको दम दिए बगैर मज़ा नहीं आता ना तो आप दम भी दे सकते हैं मैंने नहीं दिया था बस ये देखें मेरा फ़ाइनल लुक दिखाने की बारी आ गई है और व्लॉग भी तकरीबन तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंचा है वीडियो को आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो ये है मेरी जलफ्रेज़ी का फ़ाइनल लुक थोड़ा सा गार्निश कर दिया हरी मिर्चों और धनिया से ये थी मेरी आज की वीडियो दो में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा हाफिज़